स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आप सभी को सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि जितने भी आयुर्वेद स्टाफ नर्स जो यूपी के हैं, जिनकी तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, और ऐसे भी स्टाफ नर्स हैं जिनकी तैयारी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो दोनों की बात हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। और यूट्यूब पर यह इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। और तैयारी यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपको इतने लंबे समय के बाद भर्ती दिए जाने का भी कोई लाभ नहीं होगा। मतलब सीटें चाहे जितनी भी हों, लेकिन भर्तियां जो हैं, यह जो भर्तियां लगभग 27 साल पर आई हुई है यूपी में, और इस भर्ती के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो एक लास्ट रिमाइंडर के तौर पे आपको हम बता दें कि अगर अभी भी आप तैयारी करना चाहते हो और अभी सोच रहे हो तो देरी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बार अगर यह मौका चूक गया और फिर आप इंतज़ार करते रहो कि नहीं अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी और अब हम फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इन चीज़ों का इंतज़ार मत कीजिए और किसी के भरोसे मत बैठे रहिए। आप खुद, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस तैयारी करनी है और तैयारी करके जाके एग्ज़ाम में बैठना है। तो जो भी यूपी के आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके लिए हम बस आपको बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप सभी जो है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ से आपके आसपास में कोई तैयारी कराने वाला है तो वहाँ से तैयारी कीजिए, और नहीं तो हमारे द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है वहाँ भी आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट करके या उस तरह से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कई बार आपको हर क्लास के अंतर्गत, हर वीडियो के अंतर्गत आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो यूपी एसएससी स्टाफ नर्स की जो भर्ती हो रही है, तो यूपी स्टाफ नर्स की जो भर्ती हो रही है उसमें आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो भर्ती है वह कोर्ट में चली गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भर्ती है कोर्ट में नहीं गई है। कई बार हमने तो नोटिफिकेशन के थ्रू भी बताया है और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी गई हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ मैंने लिखा था कि ये भर्ती नहीं गई है। इस भर्ती से जिनको आपत्ति थी वो 120 प्रशिक्षु हैं, जिनको पहले जो स्टाफ नर्स का जो प्रशिक्षण है, पिछली सरकारों ने यह वादा किया था कि प्रशिक्षण करा करके उनकी नियुक्तियां होनी हैं, लेकिन उनकी नियुक्तियां नहीं की गई, तो उसकी आपत्ति में इन्होंने कोर्ट में याचिका दी और यह याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने बस आदेश जो है आयोग को, जो आपकी भर्ती कराएगा उस आयोग को आदेश दिया कि नवंबर तक परीक्षा नहीं करवाना है। मतलब बस इनको बस ये आयोग ने आदेश दिया कि नवंबर में परीक्षा नहीं करानी है। इसके बाद कोई चीज़ उसमें अलग से ऐड नहीं हुई थी, तो मतलब ये है कि आयोग जो है परीक्षा चाहे दिसंबर या जनवरी तक करा सकता है। अभी हाल ही में हमने एक और वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो स्टाफ नर्स आयुर्वेद वाले हैं उनकी जो एग्ज़ाम की डेट है, जो एलोपैथ वाले हैं उनकी एग्ज़ाम की जो डेट है 19 दिसंबर बताई गई है। कितना? 19 दिसंबर। अब 19 दिसंबर जब इनकी डेट है, दोनों की जो फॉर्म डेट है एक साथ आई थी, एक दो दिन पीछे थी, लगभग अप्लाई भी एक साथ दोनों का जो हुआ था, तो एग्ज़ाम की डेट इनकी आ गई है, तो आपकी भी दिसंबर या जनवरी में आ जाएगी क्योंकि बाध्यता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कोई बाधा है जिसके अंतर्गत जो है डेट नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई बाधा नहीं है, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला है,
तो अभी भी जो इंतज़ार करके बैठे हुए हैं कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा या निरस्त हो जाएगा, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तैयारी तो करनी ही है, तो तैयारी करने के लिए आपको समय जो है सीमित है। और कई लोग अगर ये सोच रहे होंगे, अगर किसी के दिमाग में यह होगा कि नहीं हमें एक महीने में हमारी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, एक महीने में हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको बता दें नहीं भी कुछ पढ़ेंगे तो आयुर्भास्कर ऐप पर अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप प्ले स्टोर में आप बस आयुर्भास्कर लिखेंगे भी तब भी ऐप आ जाएगा। अगर नहीं भी है तो आपके ज़रूर कॉलेज का कोई क्लासमेट जरूर वो जो है हमारे थ्रू पढ़ रहा होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो आपके अगल बगल में हो और हमारे ऐप के थ्रू नहीं पढ़ रहा हो। आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऐप पे हमारी जो क्लासेस हैं रेगुलर चल रही हैं, जो क्लासेस हैं कौन सी, आयुर्वेद स्टाफ नर्स भर्ती की क्लासेस जो है रेगुलर चल रही हैं, और वहाँ पे रेगुलर लेक्चर वीडियो जो है आपको मिलता है। जो भी क्लास की वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर दी जाती हैं। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये सारे जो वीडियोस हैं वह एग्ज़ाम तक रहेंगे, एग्ज़ाम तक रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे और वीडियो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम के दिन तक ये क्लासेस आपको उसी तरह से जैसे आपने परचेज किया उसी तरह से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको बता दिया जाए कि वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और वहाँ पे सारे जो क्लास के लेक्चर वीडियो हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जा करके कभी भी देख सकते हो। तो अभी भी समय है, आप जा करके वहाँ से देख लीजिए। दूसरी चीज़, बहुत ही जल्द कोर्स जो ही ख़त्म होगा तो हम टेस्ट सीरीज़ भी देंगे, और हमने अनाउंस किया हुआ है कि बहुत ही जल्दी स्टेट लेवल पे एक हम टेस्ट कराने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट रैंक अचीव करेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, स्टाफ नर्स के थ्रू अगर फर्स्ट रैंक अचीव करता है पूरे यूपी में तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, हमारे थ्रू स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ये हमने अनाउंसमेंट किया था और उस चीज़ को हम करेंगे। तो अभी भी जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया है, आप आयुर्भास्कर ऐप प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, और उसके थ्रू आप जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स की भर्ती का जो कोर्स है उसको आप बाय कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए। और जैसे ही आप कोर्स खरीदेंगे तो आपकी जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है वो हमारे द्वारा अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि तैयारी कीजिए, और भर्तियाँ पता नहीं कब तक आएंगी, तो इसलिए आप इस भरोसे मत बैठिए कि नहीं कब तक भर्ती आएगी क्या होगा, इस पे ये सारी चीज़ें छोड़ करके। और पैसे की लालच मत कीजिए कि नहीं हमारा पैसा एक महीने का है हम क्या खर्चा करें, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस तैयारी पे फोकस रहिए, बाकी सब काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, हमने सबका हेल्प किया, ऐसा नहीं कि किसी के पास फाइनेंशियल इशू है तो आपको क्लास नहीं दी गई, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इशू है तो उनकी भी बातें हम सुनते हैं, और जो हमारे हिसाब से जो कंसेशन हो पाता है वो हम करने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी की तैयारी न छूटे और आप क्लास न कर पाएँ, ऐसा हम नहीं चाहते। तो आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत तरीके से गलत जगहों से जा करके फंस गए हैं, जा करके तैयारी कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीज़ की चिंता उनको करनी चाहिए क्योंकि गलत उनका प्रिपरेशन हो रहा है। तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आपकी तैयारी बेस्ट हो, बेहतरीन हो, तो आपको आयुर्भास्कर क्लासेस जो है जल्दी से जल्दी आपको जो पेड क्लासेस है आपको ले लेना है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी हम लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करके जितनी भी जो भी प्रोसेस आपको जो समझना है उसको समझ लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तैयारी ही नहीं, आपको इसमें सिलेक्शन की भी गारंटी हमारी क्लास जो है दे रही है। अगर आप जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, क्लास टॉपिक वाइज जो चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आप करते हो तो 100% गारंटी है कि आपका जो सिलेक्शन है हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दूसरी चीज़, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और दूसरों तक शेयर करना मत भूलिए।